अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बढ़िया से डोनट्स बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए देखिए कुछ चीज़ें ली हूँ। ये मैदा 1/2 kg और ये ड्राई ईस्ट है, एक्टिव ड्राई ईस्ट। ये अनसॉल्टेड बटर है, और ये टॉपिंग के लिए कुछ चीज़ें ली हूँ। देखिए ये हर्शिस का चॉकलेट सिरप है, व्हाइट चोको चिप्स इस तरीके से है ये। और ये न्यूटेला और ये स्ट्रॉबेरी सिरप है। और शक्कर ली हूँ मैं पिसी हुई, 1 कप शक्कर है जिसको इस तरीके से पीस ली हूँ मैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 1.5 चम्मच ड्राई ईस्ट डालूंगी, टीस्पून, ये देखिए 1 टीस्पून डाली है, और थोड़ा सा डालूंगी बस इतना। और इसको गर्म पानी में कम से कम 5 मिनट के लिए मेल्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए इतना पानी डाली हूँ मैं। अब इसको इस तरीके से मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रखती हूँ। तो चलिए डो बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं शक्कर डाल रही हूँ, पिसी हुई शक्कर 4 टीस्पून फुल। अगर आप लोग और मीठे डोनट्स पसंद करते तो शक्कर थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते। और ये मैदा डाल दी हूँ मैं, अब ये बटर डाल रही हूँ, ये 80 ग्राम बटर डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा रखी हूँ इसमें से। ये देखिए और ये इस तरीके से मेल्ट हो गया है पूरा, ये देखिए इस तरीके से पूरा मिक्स हो गया है। और अब ये भी डाल दूंगी मैं, और 1 कप दूध और 1 कप पानी लेके इसको जिस तरीके से आटा गूंथते हैं उस तरीके से बिल्कुल इसका डो बना लेना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से बना रही हूँ। और ये बटर डालने से क्या है, बहुत ही बढ़िया और बहुत टेस्टी डोनट्स बनते। और ये देखिए इस तरीके से डो बन के तैयार हो गया है। अब इसको कम से कम 1 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे किचन में रख देना है। ये देखिए 1 घंटा हो गया है, और ये इस तरीके से फ्लफी हो गया है पूरा, और इसकी क्वांटिटी भी बिल्कुल डबल हो गई है। अब मैं थोड़ा सा इसमें से लेके डोनट्स बनाऊंगी। तो ये देखिए उसको अच्छे से मसल ली हूँ। अब ये इतना आटा ली हूँ मैं, और नीचे थोड़ा सा आटा लगाई हूँ, और अब इसको एक पेड़े के टाइप में बनाना है मसल के अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से इसको पूरा ये मसल ली हूँ मैं। अब बिल्कुल जिस तरीके से रोटी बेलते हैं उस तरीके से बेलना है इसको। ये देखिए अगर आप लोग चाहे तो पूरा नीचे भी बटर लगा के बेल सकते, मगर मैं थोड़ा सा आटा लगाई हूँ। और इसको कम से कम 1 इंच के उतना रखूंगी मैं। अगर आप लोग थोड़ा मोटे मोटे डोनट्स पसंद करते तो इतना भी रख सकते हो, 2-2.5 इंच जितना मोटा मोटा डोनट चाहिए। मैं 1 इंच के उतना रख रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बेल ली हूँ मैं। और ये इतना मोटा रखी हूँ मैं। और अब एक ग्लास की मदद से इसको शेप दे दूंगी। ये देखिए ये मैंने डोनट्स बना रही हूँ मैं, इसलिए ग्लास ली हूँ। अगर आप लोग थोड़े बड़े साइज के बनाना चाह रहे तो जो भी राउंड शेप में किचन में जो भी है उससे शेप दे सकते। ये देखिए इस तरीके से कट कर लेना है।
और अब ये बॉटल का ढक्कन है, बॉटल के ढक्कन से बीच का हिस्सा निकाल ले रही हूँ मैं। अगर आप लोग चाहे तो इसको ट्विस्ट करके भी बना सकते हैं चोटी के टाइप में, जो लंबे वाले डोनट्स रहते हैं, जो शेप चाहे दे सकते हैं, मगर मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मिनी डोनट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं मिनी वाले ज़्यादा बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से डोनट्स बन के तैयार हो गए हैं। अब ये मैं सारे बना के कम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दूंगी मैं, पूरा शेप देके उसके बाद फ्राई करना है। इंस्टेंट फ्राई करें तो उतना फ्लफी नहीं होते ये। कम से कम 5 मिनट रखना है इसको शेप दिए बाद। तो ये बचा हुआ आटा, और थोड़ा सा आटा ले रही हूँ मैं, ये देखिए, लेके इसको फिर उसी तरीके से फिर से बेलना है। तो ये देखिए, ये एक कटोरी ली हूँ मैं, थोड़े बड़े साइज की है ये, तो आप लोग को दिखाने के लिए, ये ग्लास का मिनी डोनट्स है, और ये देखिए इससे इतनी बड़ी है, तो ये बड़ा वाला डोनट बनेगा इसमें। तो आप लोग जो शेप चाहे दे सकते हैं, जिस तरीके से स्क्वायर में भी बना सकते हैं या ट्विस्ट करके भी बना सकते हैं, लंबे वाले जो रहते हैं। तो ये रोटी बेल ली हूँ मैं, ये देखिए इतना मोटा रखी हूँ मैं। अब इसको इस कटोरी से सेम शेप दूंगी राउंड में। ये देखिए, और अगर आप लोग को बीच का होल भी थोड़ा बड़ा चाहिए तो ये देखिए, थोड़ा बड़ा ढक्कन है ये, तो इस तरीके से ये बड़ा होल हो गया है इसमें। और ये बीच का हिस्सा निकाल दी हूँ मैं, और ये इतना बड़ा होल हो गया है। ये देखिए इस तरीके से निकाल देना, ये बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से सारे डोनट्स बना लूंगी मैं अलग अलग, और इसमें कम से कम 3 बनेंगे। ये देखिए, इसमें मैं छोटा होल करके भी दिखा रही हूँ आप लोग को, ये देखिए इतना होल हो गया है इसमें भी। और अब एक छोटा वाला बनाऊंगी मैं, छोटे वाले बनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और दिखने में खाने में भी छोटे वाले बहुत अच्छे रहते हैं। अब ये इसी आटे में और थोड़ा आटा लगा के सारे डोनट्स बना ली हूँ मैं, ये देखिए इस तरीके से। ये बन के तैयार हो गए हैं, इसको 5 मिनट के बाद फ्राई करूंगी, इसको कम से कम 5 मिनट रख देना है। तो ये देखिए और मोटे हो गए ये इस तरीके से, ये देखिए 5 मिनट हो गए। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, इसको बिल्कुल ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं, वरना ऊपर बबुल्स आ जाते इसको। तो ये मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ मैं, और ये फुलके थोड़ा और मोटे हो जाते, ये देखिए इस तरीके से। इसको टर्न करते रहना है, और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें तो अंदर भी अच्छे फ्राई हो जाते हैं। तो इसको टर्न कर लूंगी मैं,
तो ये देखिए झटपट से बढ़िया से डोनट्स बन के तैयार हो गए हैं और बहुत ही इजी है ये डोनट्स बनाना और घर में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद डोनट्स। तो आप लोग एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए फ्राई हो गए, अब एक प्लेट में निकाल दूंगी मैं इसको। इस तरीके से ब्राउन करना है इसको। ये देखिए ये सारे मिनी वाले हैं, तो ये पूरे फ्राई कर ली हूँ मैं डोनट्स को। अब इसको अलग अलग तरीके से ऊपर से टॉपिंग करूँगी। तो ये शक्कर ली थी मैं पिसी हुई, तो ये शक्कर लगा रही हूँ मैं इस पे और इसको गरम गरम में लगाए तो ऊपर से चिपक भी जाती शक्कर इसको। ये देखिए और ये चॉकलेट सिरप है। अगर आप लोग चाहे तो मिक्स फ्रूट जैम भी लगा के दे सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है डोनट्स में। ये न्यूटेला लगा रही हूँ मैं और ये कुछ मेरे पास डेकोरेशन के आइटम थी। ये बच्चों को दिखने में लुक बहुत अच्छा लगता और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अलग अलग टॉपिंग कर रही हूँ। ये फिर से जैम लगाई हूँ मैं इस पे। आप लोग चाहे तो मिक्स फ्रूट जैम, मैंगो जैम, जो भी जैम है घर में अवेलेबल, या पिसी हुई शक्कर भी लगा के बना सकते हैं। ये ऊपर से जेम्स लगा रही हूँ मैं। ये देखिए अलग अलग कलर के जेम्स लगा रही हूँ। ये देखिए अब ये स्ट्रॉबेरी का सिरप है। अब फिर से जैम लगा रही हूँ मैं और उम्मीद करती हूँ आप लोग को रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। रेसिपी कैसी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी है ये बनाना। और ये देखिए व्हाइट चोको चिप्स थे मेरे पास, तो ये लगा रही हूँ मैं ऊपर। फिर से जैम लगा रही हूँ मैं। बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद रहता है, इसलिए मैं पूरे चॉकलेट वाले ही बना रही हूँ। तो ये सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और आप लोग को रेसिपी कैसी दिखी ज़रूर कमेंट्स कीजिए और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए प्लेट में पूरे निकाल दी हूँ मैं इस तरीके से, और बिल्कुल जिस तरीके से बेकरी में मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गए हैं ये। फ्लफी भी उतने ही है और टेस्टी भी उतने ही है। तो आप लोग एक बार सेम रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। एक प्लेन वाला रखी हूँ मैं, बिल्कुल प्लेन। ये देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।